संतोष भवन स्थित शर्मावाड़ी में एक हादसा घटित हुआ है जिसमें 5 साल के बच्चे की मौत हो गई है। बच्चा दुकान जा रहा था तभी अचानक टेम्पो ने आकर उसको टक्कर मार दी। बच्चे को अस्पताल ले जाते ही उसकी मौत हो गई है। आइए जानते हैं वहां पर कुछ लोग उपस्थित थे, उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। और वहां से मैं आ रही थी स्कूटी से, वो शर्मावाड़ी से मैं आ रही थी रिटर्न, और ये ट्रांसफार्मर के पास रहते हैं बच्चा। और जब मैं सीधा स्कूटी से आ रही थी तो एक टेम्पो वाला स्पीड में आ रहा था, और वो बच्चा 5 साल का है, नाम तो नहीं पता बट बच्चा 5 साल का मेरे सामने हुआ, वो स्पीड में आ रहा था, लड़का रोड क्रॉस कर रहा था और उसने टक्कर मारा। वो अपने ये ब्रेक पे कंट्रोल नहीं कर पाया और बच्चों को टक्कर मार के भाग रहा था, बट वहाँ की पब्लिक ने पकड़ा। और मैं वहाँ पे थी तो मैंने गाड़ियों जो टेम्पो थी उसका मैंने फ़ोटो भी निकाला, और फिर बाद में मैंने वो जो ड्राइवर था उसको पकड़ के हम लोग रखे, उसका लाइसेंस जब्त किए, देन फिर पुलिस वाले को फ़ोन किया, पुलिस वाला आया और उसको लेके गया, बच्चों को हॉस्पिटल लेकर आए, ये म्यूनसिपालिटी नागिन दास में। और वहाँ पे आने के बाद पूरा जो ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बच्चे का डेथ हो गया है। पर मैं इतना चाहती हूँ जो ड्राइवर है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चला गया है वो तो हमको मिलने वाला है नहीं, पर हम कानून से ये दस्तावेज करते हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए उनकी फैमिली को, क्योंकि वो जो आंटी है उनको 20 साल के बाद वो बच्चा पैदा हुआ था, एक ही बच्चा था उनको। ड्राइवर को जितना कड़ी से कड़ी हो सके सज़ा चाहिए, ये नहीं कि पैसा लेने के बाद उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं करना। पैसा घूस खा लो और पैसा छोड़ दो, ऐसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए और वो बच्चों को न्याय मिलना ही चाहिए। मैं एक नर्स हूँ, वहाँ से जब हम लोग निकल रहे थे तभी वो जब बच्चा था, जब उसका एक्सीडेंट हुआ, जो वहाँ की पब्लिक थी एकदम, मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, जो भी तो ड्राइवर के पीछे भाग रहे थे, गाड़ी के पीछे भाग रहे थे, ना कि वो बच्चों को देख रहे थे। बच्चों को अगर जो टाइम वेस्ट 10 मिनट का जो टाइम वेस्ट हुआ है, वो टाइम अगर 10 मिनट के अंदर उनको बचाना चाहे तो वहाँ के बच्चे बच सकते थे, लेकिन उन्होंने थोड़ा भी बच्चे की तरफ बिल्कुल नहीं देखा, वो ड्राइवर के पीछे भाग रहे थे, ड्राइवर का देख रहे थे, बच्चों को कोई हाथ नहीं लगाया 10 मिनट तक। अगर वो बच्चे कोई हाथ लगाता हॉस्पिटल लेके जाता तो बच्चा बच सकता था। वहाँ पे थी बच्चा, वहाँ पे मैं खुद आर्टरी उसका चेक की थी, नर्स मेरे को मिल रहा था, बच्चे का पैर हिल रहा था, लेकिन किसी ने भी उसका ये नहीं सोचा कि एक बार हॉस्पिटल उठा के लेके जाए उसको। इवन वहाँ के लोग बस मारने पीटने के लिए आ रहे थे, लेकिन एक बार भी नहीं बोला कि हाँ ये बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर उसके बाद एक आदमी आया, उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद उसने वो गोद में उठाया बच्चे को, उठा के कोई गाड़ी पे बैठाने के लिए रेडी नहीं था, स्कूटी रोका हम लोग ने उसको, स्कूटी से फटाफट बोला जो भी हॉस्पिटल पास में वहाँ पे लेके जाओ, लेकिन कोई भी पब्लिक आके नहीं आ रही थी। दुर्घटना से भली देर, इसलिए आप सभी से दरखास्त है कि गाड़ी के रफ्तार पर अपना काबू रखें, जिससे आपकी लापरवाही की सजा किसी और को ना भुगतनी पड़े। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।